आज हमारी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है, सो वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. एंड आज हैदर का म्यूजिक सब सुन पाएंगे आज से. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एल्बम एज इट इज एन एक्साइटिंग फिल्म. तो आज नाम शाहिद ने डांस नहीं किया, शाहिद ने डिसिप्लिन में डांस किया. हेमलेट में ग्रेव डिगर्स के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे हैदर में भी हैं. ये ग्रेव डिगर्स का गाना है जो कि बहुत ही फेमस सिचुएशन है हैमलेट प्ले के अंदर. तो जब ये गाना हमने फिल्म के लिए किया तो जो कैरेक्टर्स हैं जो कि कश्मीरी एक्टर्स को हमने लिया है उन लोगों ने ही वहाँ पर गाया था. पर ये मेलेडी हम सबको इतना असर किया कि हमारा मन किया कि इसका एक और इंटरप्रिटेशन हमको इसका एक्सप्लोर करना चाहिए, तो इसलिए इसका एक रॉक वर्जन बनाया जिसको बैकग्राउंड स्कोर में यूज़ किया गया. जी बहुत एसेंशियल था कि हैदर शाहिद की तरह नहीं डांस है. बहुत इंपॉर्टेंट था कि हैदर की अपनी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए और अगर परफॉर्मेंस भी करना है और डांस भी करना है तो उसको अपने तरीके से करना है. तो एक बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर हैं सुदेश, उन्होंने विशाल सर के साथ एक ऑपेरा किया है, वो नॉर्वे से हैं. और विशाल सर ने जब ये गाना कंपोज किया तो उनके माइंड में बहुत क्लियर था उसी वक्त से कि वो चाहते थे कि सुदेश इस गाने को कोरियोग्राफ करे, बिकॉज उनका डांस स्टाइल बहुत अलग है और उनका डांस स्टाइल जो है कोरियोग्राफी से ज़्यादा परफॉर्मेंस ड्रिवन है. और ये गाना ऐसे सिचुएशन में आता है जब हैदर बहुत इमोशनली अपसेट है, तो गाने का इमोशन जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था. सिर्फ स्टेप्स करना ज़रूरी नहीं था, उसकी जो एंग्स्ट है, जो फीलिंग है, जो उसके अंदर जो गुस्सा है, वो किस तरह से कोरियोग्राफी के थ्रू कम्युनिकेट होगा. इस वजह से सुदेश जो है उनको इस गाने के लिए कोरियोग्राफ करने के लिए लिया गया. और मेरे करियर में वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स आई वुड से है दिस मैन. प्रॉबेबली मेरे पूरे करियर में इट्स द बेस्ट शॉर्ट सॉन्ग. जितना अच्छा शूट हुआ है और जिस लोकेशन में हम लोगों ने शूट किया है, जिस तरह के एलिमेंट्स गाने के अंदर यूज़ किए गए हैं, चाहे वो फेस पेंट, जो वॉर पेंट का इंटरप्रिटेशन होता है, जब पीपल गो टू वॉर दे पुट पेंट ऑन देयर फेस, या अगर आप सॉकर मैचेस देखें तो अपने अपने कंट्री का फ्लैग लोग लगाते हैं अपने फेस के ऊपर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक शोइंग योर सपोर्ट. तो उस चीज़ को यूज़ किया गया है बिस्मिल के अंदर. यूज पपेट्स, कुछ 100 feet हाई पपेट्स हैं जिन्हें यूज़ किया गया है, जो मैंने कभी किसी गाने के अंदर ऐसे पहले नहीं देखा. और जिस जगह पे हम लोग शूट कर रहे थे, इट्स कॉल्ड सन टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत जगह है. वी हैड अबाउट 5-6,000 पीपल जो हमारे साथ रोज शूटिंग पे आते थे और शूटिंग बिल्कुल ऐसे कोने में बैठ के पूरी शूटिंग देखा करते थे. तो इट वॉज जेन्युइनली अमेजिंग टू परफॉर्म उस तरह की जगह पे, उस तरह की लोकेशन में, कोरियोग्राफी को एक इमोशनल तरीके से एज अ कैरेक्टर कर पाना डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है. गाना बहुत ही अच्छा है, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है. और गाने से ज़्यादा आई थिंक वो एक कहानी है. जैसे मुझे हमेशा वो कर्ज का गाना याद आता है, यू नो, एक हसीना थी. उसके अंदर सिर्फ गाना नहीं है, उसके अंदर ही इज टेलिंग अ स्टोरी एंड द स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड. तो ये उस टाइप की सिचुएशन है और उस टाइप का गाना है. तो आई रियली लव द सॉन्ग एंड इट्स लाइक आई सेड प्रोबब्ली द बेस्ट शॉर्ट सॉन्ग इन माय करियर. गाना भी गाया है इस फिल्म में. विशाल सर, कितना आप एज ए सिंगर आप में क्या खूबसूरती दिखी श्रद्धा की, उन्होंने जो गाना गाया है, फैंस लव्ड हर सॉन्ग और जब मैंने गुलदार साहब को गाना दिखाया तो उन्होंने विद इन 20 सेकंड वो रोक के पूछा कि ये क्या, ये मटन गांव का सन टेम्पल है कश्मीर में. एंड आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने कैसे पूछा. तब उन्होंने बताया कि 30 साल पहले उन्होंने वहीं पे तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं. ओह वाह, अब रियली मैं कभी बात किसी से शेयर ही नहीं कर पाया. आप देखिए अभी भी वो टेंपल वैसा ही है जैसे 30 साल पहले था. सिर्फ बोल्डर्स वगैरह काम है पर पूरा जहाँ वो है ना कि आए थे पढ़ना सब उस टेंपल में. तो उन्होंने स्नो में नहीं शूट किया था, उन्होंने समर में किया था, हमने स्नो में शूट किया. फिर श्रद्धा बहुत खूबसूरत है और श्रद्धा बहुत ही खूबसूरत गाती है और बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है ये कि इतना अच्छा गाती है. और इसमें भी इसने एक गाना गाया है जो कि कश्मीरी फोक है और वो गाना आप जब फिल्म में देखेंगे वो इस मोमेंट पे इतने खूबसूरत मोमेंट पे आता है वो फिल्म में और इमोशनली इट रियली आपको हिट करता है. और मोर क्योंकि उसमें सिर्फ श्रद्धा
सिर्फ गा रही है और एक स्वेटर उधेड़ रही है, बाकी लोग बात कर रहे हैं, बट शी इज जस्ट लुकिंग इन टू नो वेयर एंड सिंगिंग दैट सॉन्ग. उसका इतना इमोशनल इम्पैक्ट है, रीजन कि वो इतना खूबसूरत गा रही है उसको. श्रद्धा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? आपको ऐसा लगता है कि ये भी अब एक लकी चार्म हो गया आपके लिए सिंगिंग, बिकॉज ये भी 100 करोड़ क्लब पार कर लेगी हेड तक? वेल, मैं खुद को लकी मानती हूँ कि विशाल सर की फिल्म का हिस्सा हूँ मैं. एक तो ये पता नहीं लोगों को कितना टाइम वेट करना पड़ता है ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए, और मुझे विशाल सर ने अपॉर्चुनिटी दे दी. तो अभी भी मतलब जब मैं उठती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता. मैं खुद को रोज़ कहती हूँ कि तुम बहुत लकी हो और इसको हमेशा चेरिश करती रहो. बट और ये पहली बार एक्चुअली मैं एक इंटेंस रोल भी प्ले कर रही हूँ, तो उससे भी बहुत एक्साइटेड हूँ. अर्शिया का जो कैरेक्टर है वो उसकी भी कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस है और ज़्यादा इंटेंस कैरेक्टर है, तो उससे भी मतलब इट्स द फर्स्ट टाइम पीपल विल बी सीइंग मी इन समथिंग लाइक दिस. असाइड फ्रॉम द फैक्ट कि एक्सटीरियर भी मतलब जो लुक भी है वो इतना अलग है, कैरेक्टर भी इतना अलग है, तो खुद को देख के ऐसे महसूस हो रहा है कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है फ्रॉम व्हाट आई हैव डन अर्लियर. तो आई होप कि पीपल लाइक दैट. इरफान खान जी इस फिल्म में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उन्हें हम प्रमोशंस में देखेंगे? नहीं, इरफान इसमें एक गेस्ट अपीयरेंस में, पर वो गेस्ट अपीयरेंस फिल्म में इतना असर लाता है कि वो गेस्ट नहीं रह जाता. मगर वो गेस्ट अपीयरेंस में तो वो इस प्रमोशन में नहीं आएंगे. Exactly, I'm getting an opportunity to work with one of our country's young superstars. तो definitely मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है. और मैंने इनसे कहा था, actually मैं इनको पहले से जानती भी, तो मैंने इनसे कहा था कि you know I'm waiting for the day when I get to do a movie with you, and finally now I'm getting to do it. So yeah. Yeah, एक तो सबसे बात ये है कि फिल्म कश्मीर में placed है और इसमें कश्मीरी फोक भी है, पर उन फोक म्यूजिक के मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस भी हैं. द फर्स्ट टाइम आई थिंक मेरी एल्बम होगी जिसमें 10 गाने होंगे. इसमें मैंने गाने जैसे फिल्म में हैं वैसे भी रिकॉर्ड किए हैं, फिर उनको कैसे मैं अगर नॉन फिल्म देखना चाहूँ तो मैं कैसे उसे उन्हें इंटरप्रेट करता वैसे भी किया है. फिर फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक गज़ल है गुलों में रंग भरे जो मेहंदी साहब ने गाई है वो भी है. तो बहुत बहुत अलग अलग तरह के जॉनर्स हैं इसमें म्यूज़िकली जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि इतने सारे गाने फाइनली इसमें आके हो गए, 10 गाने एक एल्बम में, विच इज़ अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट इट्स वेरी आयरोनिकल बिकॉज आई हैव ऑल्सो, मैंने जितना आपने पेपर में पढ़ा मैंने भी उतने पेपर में पढ़ा है, जितनी आपकी नॉलेज है मेरी भी उतनी नॉलेज है, और इट्स वेरी आयरोनिकल. आई थिंक INB मिनिस्ट्री को इसमें अब अग्रेसिवली स्टेप इन करना चाहिए. सिर्फ सेंसर का ही मसला नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. हमारी रेटिंग्स को लेके एक बिल पिछले 8 साल से प्रॉमिस किया जा रहा है कि वो जब अंबिका सोनी जी मिनिस्टर थी तब से लेके और आज जावड़ेकर साहब हमारे महाराष्ट्र से हैं, हमें 8 साल से प्रॉमिस किया जा रहा है कि हमारी फिल्म को 3 रेटिंग्स मिलेंगी, जो कि 12+, 15+ एंड नॉर्मल 18 जो एडल्ट होता है. 8 साल से ये प्रॉमिस हमारा पूरा नहीं हुआ है. हम लोग फिल्म मेकर सफ़र कर रहे हैं क्योंकि जो फिल्में बहुत फिल्में ऐसी होती हैं कि जो कि जिनको 12+ बच्चे देख सकते हैं, बहुत फिल्में होती हैं जो 15+ देख सकते हैं. तो वो अगर कैटेगरी बनेंगी तो सिनेमा का स्तर थोड़ा बढ़ेगा. अभी क्या होता है कि अगर फिल्म में आपको थोड़ा सा भी एडल्ट मटीरियल अगर लेके आना है तो सबसे पहला जो कॉर्पोरेट का या आपके प्रोड्यूसर का सिर पर जो डंडा आता है वो ये कि इसका सेटेलाइट नहीं बिकेगा. तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर फिल्म मेकर काम कर रहे हैं, जिसमें एक कंस्ट्रेंट एक ये भी है जो आपने बताया. तो आई थिंक फिल्म को INB मिनिस्ट्री को एक प्रायोरिटी की तरह लेना पड़ेगा पूरी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को. तो ये एक अकेला इशू नहीं है, और ऐसे 50 इशूज हैं जो बॉलीवुड सर ऑलवेज बीन टुगेदर ऑन दीज इशूज. गिल्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अस. सो एंड ये जो मैं आपको बिल की भी जो बात बता रहा हूँ ये भी गिल्ड के थ्रू ही हम लोगों की मीटिंग्स होंगी. And guild will be active, and we are sure that you know it will be sorted. Clearly, you know, but I think एक जो मैंने सेंसर बोर्ड की जो चेयरमैन हैं उनका इंटरव्यू पढ़ा कि जिसमें उन्होंने एक लाइन एक सॉल्यूशन दिया है कि उसको कंप्यूटराइजेशन ऑफ द एप्लीकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कि जहाँ आप घर पर बैठ के आज हम लोग टाइप करते हैं और US से 2 दिन के अंदर हमारे घर में सामान आ जाता है.
हमको किसी कॉलेज में अगर एप्लीकेशन देनी है तो हम यहीं से बैठ के लंदन के कॉलेज का फॉर्म भर देते हैं, पर अगर हमें सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो हमें फिजिकली वहाँ जाना पड़ता है। आई थिंक थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि फिल्म वाले सिर्फ हम सबका एंटरटेनमेंट करते हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री का अब एक फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे ऊपर ध्यान दें। और ये एक इशू नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा इशू है, और बहुत सारे इशूज हैं जिसके ऊपर मिनिस्ट्री शुड कम फॉरवर्ड एंड अग्रेसिवली हेल्प अस। लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा है और वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि समथिंग लाइक दैट नीडेड टू बी डन। और मैं इतना क्लियरली कहूँगा कि ये किसी भी सिर्फ इफेक्ट के लिए ये लुक नहीं अचीव की गई है, इसका बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है फिल्म के अंदर। और जब आप फिल्म देखेंगे, एक्चुअली एक ही सीन है फिल्म के अंदर, उसका यू नो 4-5 घंटे का काम था, लेकिन ज़रूरी था कि मैं एक्चुअली बिकॉज वी कुड हैव डन प्रोस्थेटिक्स ऑल्सो, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं तो यू हैव टू गिव देम योर ब्लड। और जब मुझे इतना अच्छा रोल विशाल सर ने दिया तो मुझे ऐसा लगा कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन या ये जो भी छोटी सी चीज़ एक मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ रियली समथिंग दैट द रोल deserves and demands, more than deserves, I think it demands that. तो इस वजह से जो फिल्म बहुत अच्छी लगती है, और मैं करूँगा या नहीं या करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ उसका अनाउंसमेंट आई थिंक ऑफिशियली बाद में आएगा, बट मैंने देखी थी फिल्म, मुझे बहुत अच्छी लगी। वुड आई लाइक टू सी दैट फिल्म? आई वुड वॉन्ट टू सी एनी फिल्म माई फादर इज अ पार्ट ऑफ, आई कैन लर्न एक्टिंग फ्रॉम हिम इन एवरी फ्रेम। नहीं बट इट्स अमेजिंग, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड I'm very happy that dad is doing a funny, comic and slightly shocking character like that. I think it's very cool. मैंने कभी वो side dad की personally देखी नहीं है, तो it's very cool. शायद पाकिस्तानी actors को बहुत welcome किया है Indian film industry ने, तो आप इस अच्छे रवैये को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि बहुत controversies भी होती हैं कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा prefer करना चाहिए बनिस्बत बाहर के लोगों को। Be like to say something on this? चीज़ ज़्यादातर spaces में ऐसा अमूमन होता है कि अलग अलग ऐसे कैटेगरीज बनाई जाती हैं, मुझे समझ में नहीं आता है बिकॉज बहुत ऐसे कम मीडियम्स हैं एंड आई थिंक आर्ट इज़ वन ऑफ दोज मीडियम्स विच इज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स। वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे स्पोर्ट इज़ समथिंग लाइक दैट, बट आर्ट इज़ लाइक दैट मोर बिकॉज स्पोर्ट में फिर भी आप एक कंट्री को सपोर्ट करते हैं, एक देश को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक प्लेयर को एक अच्छा स्क्वायर कट मारते हुए देखते हैं तो आप अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ की। जब इंग्लैंड में मैच चल रहा होता है और इंडियन प्लेयर 100 रन पूरे करता है तो पूरा सब लोग उनको ताली बजा के अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और वो एक यूनिवर्सल चीज़ है। तो आर्ट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ यूनिवर्सल एंड आई थिंक इट हेल्प्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। दो तरीके होते हैं लाइफ को अप्रोच करने के, या यू वांट से मैं और तुम और यू वांट से हम, वो हमारी चॉइस है। अब उसको लोग इतना उसके बारे में ऐसे 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 क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आई थिंक कोई भी अच्छा एक्टर है, किसी भी देश से हो, किसी भी कलर का हो, कैसा भी बोलता हो, अगर वो मेरे साथ फ्रेम में खड़ा है तो एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि हम बेहतर फिल्म बनाएंगे एंड दैट इज बिगर देन एवरीथिंग।